जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में या दिल्ली पुलिस में जब भी बच्चे जाते हैं या राजस्थान पुलिस CRPF SSC में, तो उन बच्चों का जो होता है फिजिकल होता है। तो फिजिकल जो होता है इंडियन आर्मी के अंदर में 1600 मीटर होता है, और BSF SSC राजस्थान पुलिस इन सेनाओं के अंदर में जो फिजिकल है वो 5 किलोमीटर होता है। जिन बच्चों ने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की है, उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि अपनी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग जो है वो किस तरह से करनी है, ताकि आप जो है अपनी रनिंग का टाइम जो है अग्निवीर में जाने के लिए 4:40 का या 4:50 का टाइम जो है वो आसानी से कवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में कंटिन्यू, और हर एक एक्सरसाइज को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपने एक भी एक्सरसाइज को मिस किया है तो आप जो है अपना वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, और या फिर आपका जो पैर जो है बढ़ जाएंगे या मसल दर्द करेगा, या जो आप लंबी रनिंग तय करते हैं 5 किलोमीटर की, उसमें जो है आपकी साइड पेन होता है पेट में, या फिर आपके हाथ बढ़ जाते हैं। तो इन एक्सरसाइजों में आपको ये बताया जाएगा कि जो भी शरीर के अंदर में कमजोरी होता है उन कमजोरी से आपको कैसे छुटकारा पाना है, और आप एक अच्छे धावक बन के जो है सेना में भर्ती हो सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इन वीडियो को उन बच्चों के पास में शेयर करना जिन बच्चों ने अभी तक जो है रनिंग स्टार्ट नहीं की है। तो देखिए वीडियो को कंटिन्यू एक साथ, चलो स्लो स्लो अपने हाथ जो है कंधे के बराबर चेस्ट के, और स्लो स्लो रनिंग करेंगे सर एक साथ, सीना तान के, नज़र पूरी सामने, शाबाश। अपने हाथों की स्विमिंग चेस्ट के बराबर करेंगे, शाबाश शाबाश। अपने कमर पर हाथ और पैरों को पूरा आगे निकालेंगे सीना तान के, शाबाश। नजर सामने सारे एक साथ, पीछे रिलैक्स, ऊपर जंप सारे, ऊपर जंप, रिलैक्स। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, हाँ तो दोस्तों इन एक्सरसाइज को जो है वो ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपके पैर और शोल्डर जो है एक साथ काम करेगा, तो ध्यान से देखिए पूरा। इसमें आपको क्या करना है, एक साथ अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, चलो एक साथ रिलैक्स। अपने हाथों को पूरा आगे रखना है और पूरा कदम ताल करना है, ठीक है एक साथ, चलो स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों थाई के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी साइड पेन और आपकी थाई जो है पूरा मजबूत हो जाएगी, रिलैक्स। अपना पैर जो है पूरा पकड़ेंगे और पूरा ऊपर खींचेंगे, नाक टच, शाबाश। इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करेंगे कंटिन्यू, शाबाश। पूरा खींचो पैरों को, शाबाश। पैर को पीछे पकड़ेंगे और पूरा पीछे खींचेंगे, दोनों हाथों से पीछे पकड़ के, सीना पूरा सामने, नजर सामने पूरा, और 4 से 5 बार पूरा खींचेंगे, शाबाश। चेंज। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज जो है आपकी रनिंग करते टाइम कमर दर्द होता है या फिर आपके जो हाथ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ये जो रनिंग में बहुत सहायता करेगी एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को पूरा खोल के रखना है, ठीक है, और पूरा आसमान की तरफ देखना है, दोनों तरफ साइड, शाबाश। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 स्टेप जो है आपको रेगुलर करना है, रनिंग से पहले और रनिंग के बाद में। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जी हाँ दोस्तों, शाबाश। रिलैक्स, खड़े जो और कूल डाउन, शाबाश शाबाश। हाँ तो दोस्तों जिसका सांस पूरा भर जाता है और रनिंग के बाद में जो थकान महसूस करते हैं, उन बच्चों को ये कूल डाउन जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज रेगुलर करना है, ताकि अपनी बॉडी जो है रिकवर कर सकेगी और एक ताज़ा एनर्जी के साथ वापस फिर से रनिंग के लिए तैयार हो जाएगी। चले रिलैक्स, चलो साइड, एक साइड खींचेंगे सारे, इस साइड, इस तरफ सारे खींचो, चेंज दूसरी साइड,
चेंज दूसरी साइड, शाबाश। तो इसके बाद में दो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इन एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखना है। चलिए, अपने हाथों को आगे करना है ऐसे, पूरा पैरों को खोल के रखना है, ठीक है। और इस पे आपको क्या करना है, ये जो पैर है पूरा ऐसे, चलिए शाबाश। एक पैर पे दो बार बैठेंगे, एक साइड बैठेंगे मंदिर की साइड, सारे सारे मंदिर की साइड बैठेंगे, शाबाश। अप डाउन उस टाइम सारे बैठ दो, शाबाश डाउन, शाबाश। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों, खड़े हो जाओ सारे एक साथ, रिलैक्स और सारे एक साथ बेंड पोजिशन। अपने हाथ जो है कंधे के बराबर और एक साथ पुशअप लगाएंगे, तो इस पुशअप एक साथ रुक जाओ सारे। हाँ तो दोस्तों देखिए, आप जब पुशअप लगाते हैं तो हाथ के हाथ बेंड हो जाते हैं, या फिर किसी की रीढ़ की हड्डी में जो है बेंड हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा सही पुशअप जो है पुल अप वो कैसे लगानी है। तो नज़र को पूरा सामने रखना है, एक साथ नज़र को आसमान में नहीं देखना, नज़र को पूरा सामने की तरफ देखना है, और एक साथ डाउन अप। हाँ तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको पुशअप लगानी है, एक पैर आगे रखेंगे हाथों के बीच में एक पैर को, और पूरा कमर तोड़ के अपने आसमान की तरफ देखेंगे, एक साथ पैर चेंज करेंगे अप डाउन अप डाउन, दोनों पैर पीछे एक साथ अप डाउन अप डाउन, रिलैक्स खड़े हो जाओ, शाबाश। फिर से रनिंग, रनिंग करना स्टार्ट करेंगे, शाबाश। और अपना पैर जो है पूरा आगे की साइड निकालेंगे, ये जब हम रनिंग करते हैं और स्टेप नहीं लगा पाते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते और स्टेप जो है नहीं निकाल पाते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है स्टेप के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों। चले रिलैक्स, पूरा लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे, बॉडी के अंदर पूरा गर्मी आ रहा है, चले रिलैक्स। हाँ तो दोस्तों ये थी चार से पांच एक्सरसाइज, जिन एक्सरसाइजों को करके आप जो है एक अच्छे धावक बन सकते हैं, और आपका भी सपना है इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, CISF, CRPF में जाने का, तो आप भी अपना सपना साकार कर सकते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी नए बच्चे हैं उन बच्चों को भी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना, ताकि उन बच्चों को भी पता चले कि विजन ऑफ सक्सेस श्री डूंगरगढ़ में जो है वहाँ पर ये फिजिकल की तैयारी जो है निःशुल्क करवाई जा रही है। जो भी भाई भर्ती के लिए इच्छुक है वो अपनी तैयारी जो है कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।